हाय मॉमीज एंड डैडीज, वेलकम बैक टू मॉमकॉम इंडिया। मच्छरों का सीजन अपने पीक पे है और मच्छर से हो सकती हैं काफ़ी खतरनाक बीमारियां, तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम अपने छोटे बेबीज को बिल्कुल सेफ रखें। आज आपसे 5 टिप्स शेयर करूंगी जिसके अकॉर्डिंगली आप अपने बच्चों को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। ये मेरे ट्राइड एंड टेस्टेड टिप्स हैं, तो डेफिनेटली आपके लिए भी बहुत वर्क करेंगे। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन हिट कीजिएगा ताकि जब भी हम वीडियो पोस्ट करें आपको उसका नोटिफिकेशन मिले, और इस नॉलेज को ज़्यादा से ज़्यादा पेरेंट्स के साथ स्प्रेड कीजिएगा शेयर करके। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सो पेरेंट्स, सबसे पहला टिप है बेबी के लिए आप एक मस्कीटो नेट ले लीजिए। ये मस्कीटो नेट जो आप देख रहे हैं ये 0 to 1 year तक के बेबी के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। अगर आप अपने डॉक्टर से पूछेंगे तो वो आपको यही कहेंगे कि बच्चे को मस्कीटो नेट में रखो। ये सबसे सेफ तरीका होता है, 100% गारंटीड होता है और इसमें किसी तरीके का कोई रिस्क नहीं होता। जो मस्कीटो नेट मैंने अपने बच्चे के लिए यूज़ किया है वो है ब्रांड प्लम बनी का, और इससे अच्छा मस्कीटो नेट आपको मार्केट में नहीं मिल सकता। इस मस्कीटो नेट की कुछ खास बातें हैं जो इसे बाकी मस्कीटो नेट से अलग बनाती हैं। सबसे पहला इसकी फ्रेमिंग, इसमें स्टील की फ्रेमिंग दी गई है जिसके ऊपर पीवीसी की लाइनिंग है। फ्रेमिंग रेक्टेंगुलर है, ज्यादातर मस्कीटो नेट्स में ओवल होती है। रेक्टेंगुलर फ्रेमिंग से फायदा यह होता है कि बच्चे को थोड़ी स्पेस ज्यादा मिल जाती है। दूसरा, ये बहुत ही स्टर्डी है गाइस, ये बिल्कुल बेंड नहीं होता या आउट ऑफ शेप नहीं होता। आप इसको लेके अगर ट्रैवल भी करते हैं, किसी चीज में रख के भी इसे लेके जाते हैं, तब भी इसकी शेप नहीं खराब होती। बहुत स्टर्डी मस्कीटो नेट है ये। तीसरा है इसका मेश, जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है मस्कीटो नेट में चेक करने के लिए। इसका मेश बहुत सॉफ्ट है, ब्रीदेबल है और बहुत छोटा छोटा साइज का है, तो मस्कीटो तो क्या, कोई और कीड़ा भी इसके अंदर नहीं घुस सकता। मेश के नीचे आप देखेंगे यहाँ पे हेमिंग दी गई है जो एक एडिशनल प्रोटेक्शन का काम करती है। इसमें 2 डिजाइन आते हैं, एक है ब्लू और एक है पिंक, दोनों ही बहुत ही सुंदर लगते हैं। इसकी क्वालिटी अल्ट्रा प्रीमियम है, डिजाइन तो सुंदर है बट क्वालिटी भी अल्ट्रा प्रीमियम है, अनमैच्ड है टू एनी अदर मस्कीटो नेट। एज अ पेरेंट मैंने बहुत रिसर्च किया है अपने बच्चों के लिए, और रिसर्च करके ही मैं आपको ऐसा प्रोडक्ट बता रही हूं जो आपके बच्चे के डेफिनेटली काम आएगा और 100% उसको प्रोटेक्ट करेगा। इसकी जो ओवरऑल क्वालिटी, डिजाइनिंग और कलर्स की वजह से ये एक प्रीमियम क्वालिटी मस्कीटो नेट की कैटेगरी में फॉल करता है, जिसकी वजह से अगर आप इसका प्राइस देखेंगे तो हो सकता है कि आपको ये थोड़ा सा एक्सपेंसिव लगे कंपेयर टू व्हाट यू सी इन द मार्केट, बट खुद इसको ट्राई करने के बाद, यूज करने के बाद, इसके लिए कॉम्प्लीमेंट्स मिलने के बाद, मैं ये गारंटी से बोल सकती हूँ कि आपको ऐसी चीज मार्केट में नहीं मिलेगी। इट इज वर्थ द प्राइस एंड इट इज वर्थ द कम्फर्ट दैट इट इज गिविंग योर बेबीज। सो गाइज, अगर आपका बेबी 0 to 12 month कैटेगरी में है, या आप एक एक्सपेक्टिंग पेरेंट हैं, या आप किसी नए पेरेंट को कुछ गिफ्ट करना चाहते हैं, सो दिस इज द राइट चॉइस फॉर देम। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप वहां जाके इसे चेकआउट कीजिए। इजीली आप इसे अमेजोन के थ्रू ऑर्डर कर सकते हैं, और अगर आप एक प्राइम मेंबर हैं तो फटाफट आपके पास ये पहुंच भी जाता है। सो गाइज, ये तो हमने बात कर ली एक ऐसे तरीके की जिससे जब हमारा बच्चा सो रहा है तो हम उसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं, या बच्चा बहुत ही छोटा है और अभी बिल्कुल मूव नहीं करता और उठा भी हुआ है तब भी हम उसके ऊपर ये मस्कीटो नेट डाल के रख सकते हैं। बेस्ट पार्ट है कि इस मस्कीटो नेट को आप बेड पे, कॉट पे, सोफे पे, जहां पे भी बेबी है ना वहां पे आप इसको आराम से प्लेस कर सकते हो। फोल्डेबल है तो ये बहुत इजी टू यूज है। हम तो जब पार्क भी जाते थे, अगर मॉर्निंग में सनलाइट दिलाने जाते थे और मैट पे बेबी को रखते थे तो उसके ऊपर भी ये नेट बिछा देते थे, तो दैट्स हाउ कंफर्टेबल इट इज। अब मान लीजिए कि बच्चा थोड़ा बड़ा हो गया है, आप उसे प्रैम में शाम को वॉक के लिए लेके जा रहे हैं और आपको उसे मस्कीटो से प्रोटेक्ट करना है, तो अब आप क्या करेंगे? सो देखिए, दूसरा तरीका होता है पैचेस यूज करना। मस्कीटो पैचेस आते हैं, बेबी फ्रेंडली ब्रांड्स में भी आते हैं, मैं यहाँ पे आपको कुछ ऑप्शंस दिखा देती हूँ। ये पैचेस आप 3 महीने से ऊपर के बच्चों पे ही यूज कर सकते हैं, उससे छोटे बच्चों के लिए ये पैचेस रेकमेंड नहीं किए जाते। मेन आपको ध्यान रखना है कि पैच डीट फ्री होना चाहिए, और बच्चे से थोड़ी ऐसी जगह लगाइए जहां उसका हाथ ना पहुंच जाए और वो हाथ से वो पैच लेके मुंह में ना डाल ले। तो आप ये पैचेस बच्चे की कॉट पे, उसकी बेडिंग पे, पिल्लो पे, प्रैम में, हर जगह लगा सकते हैं, ये फैब्रिक फ्रेंडली होते हैं। तीसरा टिप है फैब्रिक रोल ऑन। सो फैब्रिक रोल ऑन क्या होता है, आपको डॉट लगा देना होता है बच्चे के फैब्रिक पे, या फिर जो बच्चे के आसपास फैब्रिक है उस पे, डिपेंडिंग ऑन बच्चे की एज क्या है, वो डॉट जो है वो ही एक प्रोटेक्शन क्रिएट करता है। बस इसमें प्रॉब्लम ये होती है कि अगर बहुत ज़्यादा मच्छर होते हैं ना तब होता है कि कई बार ये काम नहीं करता, या फिर कई कुछ कुछ फैब्रिक रोल ऑन होते हैं जिनकी स्मेल थोड़ी ज़्यादा होती है वर्सेस पैचेस जिसमें स्मेल या जो फ्रेग्रेंस है वो काफ़ी माइल्ड दी जाती है ताकि वो बेबी को
ट्रबल नहीं करे, बट बाहर जाने के लिए बहुत ज़्यादा मच्छर है तो फैब्रिक रोल ऑन काफ़ी अच्छा काम देता है, उसके 4 डॉट ही आप लगा देंगे तो वो इनफ रहता है। बट याद रखिएगा, पैचेस, फैब्रिक रोल ऑन, क्रीम्स जैसी चीज़ों को ना आपको बारी बारी रिपीट करना पड़ता है आफ्टर अ सर्टन नंबर ऑफ आवर्स जो उन पर लिखा जाता है। मस्कीटो नेट के साथ क्या होता है कि कोई रेपिटेशन की टेंशन नहीं होती, आपने एक बार नेट डाल दिया आपको पता है आपका बेबी सेफ है। तीसरा टिप है फैब्रिक रोल ऑन्स को यूज करना। फैब्रिक रोल ऑन आप 6 महीने से ऊपर के बच्चों पे यूज कीजिएगा, बिकॉज फैब्रिक रोल ऑन की जो फ्रेग्रेंस होती है वो थोड़ी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है कंपेयर टू अ पैच। फैब्रिक रोल ऑन बेसिकली आप वहां यूज कीजिए जहां पे बहुत ज्यादा मच्छर है, स्पेशली जैसे हम बच्चों को बाहर लेके जाते हैं, घर में तो इतने मच्छर नहीं होते हैं बट बाहर मच्छरों का हमें नहीं पता होता है। जाने से पहले आप 4 डॉट लगा दीजिए एंड दैट इज इनफ। बट गाइज अगेन मैं ये बोलूंगी, पैचेस हो, फैब्रिक रोल ऑन हो या कोई भी और चीज हो ना, इनमें कभी भी 100% प्रोटेक्शन नहीं होता है। ये कोई भी ब्रांड भी नहीं क्लेम करता कि ये 100% प्रोटेक्ट करेगा, बिकॉज काफी चीजों पे डिपेंड करता है कि आपने कब लगाया, कैसे लगाया और आपके वहां का एरिया कैसा है, उसके बेसिस पे ये आपको प्रोटेक्ट करता है। चौथा टिप मेरा रहेगा मस्कीटो रेपेलेंट क्रीम्स यूज करना। तो अगर आपके बच्चे 6 महीने से ऊपर हैं तो जो उनके एक्सपोज्ड एरियाज हैं, हाथ को छोड़ के जो वो मुंह में डाल लेंगे, बाकी एरियाज पे आप मस्कीटो रेपेलेंट क्रीम लगा सकते हो। अगेन ये क्रीम भी और आपका फैब्रिक रोल ऑन भी और आपका पैचेस भी, ये सब डीट फ्री होना चाहिए। इस चीज को आपको बारी बारी चेक करना है। टिपिकली जो इंग्रेडिएंट्स बेबीज के लिए सेफ होते हैं वो होता है यूकलिप्टस, लैवेंडर, सिट्रोनेला एंड लेमन ग्रास। तो अगर आपको ये इंग्रेडिएंट्स मिल रहे हैं और डीट फ्री प्रोडक्ट है तो वो आपके बेबी के लिए सेफ है। तो गाइस, आप में से काफी पेरेंट्स सोच रहे होंगे कि मैं इतना कुछ मेंशन कर रही हूँ बट मैं कोई प्लग इन मस्कीटो रेपेलेंट क्यों नहीं मेंशन कर रही हूँ, उसकी इतनी एड आती है, इतने ब्रांड्स उसके बारे में बताते हैं। सो गाइस, वो अच्छे होते हैं बट इतने छोटे बेबीज के लिए वो सेफ नहीं होते। इतने छोटे बेबीज जब उसके फ्यूम्स को इनहेल करते हैं तो उससे उन्हें ब्रीदिंग ट्रबल या कोई एलर्जिक रिएक्शंस होने के चांसेस रहते हैं। इसीलिए रेकमेंड किया जाता है कि ये जो प्लग इन रेपेलेंट्स हैं ये बेबीज से दूर रखे जाएं। बेबीज को टिपिकली मस्कीटो नेट में प्रिवेंट किया जाए, वो सबसे सेफ है। अगर आप नहीं कर सकते तो ये बाकी चीजों को आप यूज करें जब आप बाहर जा रहे हो। तो फिफ्थ एंड सबसे जरूरी टिप है कि बच्चों को हमेशा पूरा कवर्ड रखिए। अगर गर्मियां हैं तो कॉटन फैब्रिक में, खुले डुले फ्लोई फैब्रिक में उन्हें रखिए, बट फुल कवरेज रखिए। ये अपने आप में सबसे नेचुरल तरीका है बच्चे को प्रोटेक्ट करने का फ्रॉम मस्कीटोस। लाइट क्लोदिंग पहनाइए बिकॉज मच्छर ज्यादा डार्क क्लोदिंग पे आते हैं। अपने घर को ज्यादा से ज्यादा क्लीन रखिए, जितने भी डार्क कॉर्नर्स हैं उन्हें टाइम टू टाइम साफ करिए। पानी कहीं पे भी इकट्ठा नहीं होने दीजिए, स्पेशली जो लोग कूलर्स का यूज करते हैं उनको इस चीज का बहुत ध्यान रखने की जरूरत है कि आपके घर के आसपास कहीं पानी नहीं इकट्ठा होना चाहिए। कूलर टाइम टू टाइम साफ होना चाहिए। अगर आपके घर के वहां बहुत प्रॉब्लम है तो आप शाम के टाइम दरवाजे के बाहर और विंडो के बाहर कॉइल जला सकते हैं जिससे मच्छर दूर रहेंगे। 5 बजे के करीब आप अपनी विंडोज को बंद कर दीजिए, नेट लगा दीजिए जिससे हवा आती रहेगी। बट ऐसा टाइम जब मच्छर घर में एंटर करते हैं उस टाइम पे आपको थोड़ा ज्यादा घर पे ध्यान देने की जरूरत है। आप ये करेंगे तो आपके बच्चे मस्कीटो से प्रोटेक्टेड रहेंगे। प्लम बनी के मस्कीटो नेट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, मिस मत कीजिएगा गाइज। ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जो सब पेरेंट्स के पास होना चाहिए ताकि उनके बच्चे आराम से सो सके एंड एज पेरेंट्स आपको अपनी रातें वेस्ट ना करना पड़े सिर्फ ये देखने के लिए कि बच्चे को मच्छर तो नहीं काट रहा। इसी के साथ इस वीडियो को खत्म करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय बाय। Thank you.